कैसे हैं आप सर? आशा करती हूँ सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे पैर में प्लास्टर है, फिर भी मैं आज अपने बच्चों के लिए, भैया के लिए स्पेशली एक अच्छी सी चीज़ बनाने जा रही हूँ। और आइए देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती है बनाने में, जो फेवरेट चीज़ मैं इन लोगों की बना रही हूँ, अगर मुझे इसमें कोई भी आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ बेटर हो सकता है इसमें, या मैं ठीक सही बना रही हूँ या नहीं, या अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे। आइए मेरे साथ चलिए बनाते हैं। किचन है, मैंने किचन का सेटअप सब कुछ कर रखा है। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि कैसे क्या कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या करती हूँ मैं। चलिए आइए फ्रेंड्स। अब मैंने ये बेसन को ले लिया चलनी में, इसे अच्छे से छान लूँगी बेसन को, क्योंकि इसमें लम्स रहते हैं वो निकालने ज़रूरी है, नहीं तो फिर लड्डू बांधने में दिक्कत होगी, उसमें बेसन मुँह में लगेगा। अब मैंने कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी थोड़ा गरम हो जाएगा, इतने में मैंने बेसन सारा छान लिया था अच्छे से, लम्स निकाल दिए थे। अब मैंने इसमें बेसन डाल दिया घी में। घी में डालने के बाद मैं इसे लगातार चला रही हूँ धीरे धीरे पहले, तो क्योंकि नहीं चलाऊँगी जहाँ मैं छोड़ दूँगी वहाँ नीचे जल जाएगा, इसलिए बेसन को लगातार चलाना पड़ेगा। मैं चला रही हूँ धीरे धीरे से, आराम आराम से। इसके कलर धीरे धीरे चेंज आएगा, आपको महक आने लगेगी, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बेसन की पकने की एक खुशबू जो होती है वो खुशबू आने लगेगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुका है, अच्छे से फ्राइड हो चुका है बेसन। तो ये मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे चला रही हूँ, और हाथ में दर्द हो जाता है इसे चलाते चलाते बेसन को, क्योंकि एक किलो बेसन है तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा धीरे धीरे लगने का डर रहता है, तो इसलिए लगातार इसे चलाना पड़ता है। चला रही हूँ पहले मैं इसको, कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैंने ये ब्राउन हो, इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसे बंद कर दिया, और ठंडा होने के लिए परात में डाल के रख दिया, ताकि ये फैला दिया ताकि ठंडा हो जाए। ये अब ठंडा हो जाएगा, थोड़ा हल्का ठंडा हो गया। मैंने इसमें बूरा मिक्स कर दिया, आधी किलो बूरा, एक किलो बेसन में आधी किलो बूरा मिक्स किया है। और अब इसे थोड़ा मैं हल्के हल्के हाथ से फैला रही हूँ। अच्छे से नहीं मिलाया मैंने अभी, क्योंकि ना अंदर बेसन अभी गर्म है, ज़्यादा गर्म बेसन में अगर मैं मिलाऊँगी तो फिर से लम्स बन जाएंगे, इसलिए मैं अच्छे आराम आराम से हल्के हाथों से इन्हें फैला रही हूँ, अच्छे से मिला रही हूँ। इसे गांठ नहीं रहनी चाहिए एक भी, नहीं तो लड्डू सही से नहीं बनेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है बूरे को, और मुझे इसमें घी कम लग रहा था तो मैं इसमें दोबारा थोड़ा सा घी डाला। 450 ग्राम के करीब घी लगा है मेरा, तो मैंने आधी तो कढ़ाई में ही रखी थी जो मैंने फ्राई किया था बेसन उसमें, और आधी मैंने अलग रख दी थी ताकि मैं लड्डू बांधते वक्त मुझे ज़रूरत पड़ेगी घी की, इसलिए। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी घी मिला दी, और मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है ये, तो ये देखिए मैंने हाथ से इसे अच्छे से मिक्स किया। अब मैं लड्डू बांधना शुरू कर रही हूँ। मैंने घी अभी पूरा नहीं डाला था कटोरी में, से आधी डाली थी, अब पूरा डाल दिया। अब पूरा डालने के बाद ये देखिए इसका कलर अलग सा ही हो गया है। अब मैंने लड्डू बांधे, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गोल सा लड्डू बना है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, जैसे हम दुकान से लाते हैं बिल्कुल वैसे लग रहा है ना। तो मैंने इसे कोशिश की है वैसे ही बनाने की, भैया को बहुत पसंद है लड्डू खाना, तो इसलिए देखिए लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।